देश में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं। भारत में कोरोना के नए स्वरूप एक्सी वेरिएंट ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। तो वहीं देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। नए वेरिएंट के दिल्ली में मिलने के बाद इसकी पड़ताल में नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने जाँच शुरू कर दी है। जानकारी मिली है कि ये वेरियंट हाल ही में विदेश यात्रा से दिल्ली लौटे एक कोरोना संक्रमित मरीज से मिला है। हालांकि इसका जेनेटिक स्ट्रक्चर मौजूद वेरिएंट की तुलना में एकदम अलग है। कोरोना की बाकी लहरों में बच्चों पर इसका असर ज्यादा गंभीर नहीं था, लेकिन अब बच्चे भी इस नए एक्सई वेरिएंट की चपेट में आ रहे हैं। खासतौर से स्कूल खुलने के बाद इन मामलों में बढ़ोतरी की और आशंका जताई जा रही है। तो वहीं ऐसे में हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि पिछले 2 हफ्तों में बच्चों में फ्लू जैसे लक्षणों में बढ़ोतरी आई है। ऐसे में अगर बच्चों को कोरोना वायरस होता भी है तो भी माता पिता को इसके लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों में कोरोना के लक्षण काफ़ी माइल्ड हैं और समय पर इलाज करवाने से बच्चे जल्दी ठीक भी हो रहे हैं। हालांकि इन लक्षणों की समय रहते पहचान ज़रूरी है। एक्सी वेरिएंट को कोविड-19 के पिछले वेरियंट्स की तुलना में ज़्यादा संक्रामक माना जा रहा है। ऐसे में ज़रूरी है कि बच्चों को इस नए वेरियंट के संक्रमण से बचाकर रखा जाए। यदि आपको बच्चों में ये लक्षण नज़र आए तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, जिनमें बुखार, नाक बहना, गले में दर्द, शरीर में दर्द, सूखी खांसी, उल्टी आना, लूज मोशन। वहीं दूसरी तरफ हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोरोना के इस नए वेरिएंट से संक्रमित बच्चों को शरीर में सूजन भी हो सकती है। इस सूजन का सामना बच्चों को कई हफ्तों तक करना पड़ सकता है। बच्चों के शरीर में सूजन की इस स्थिति को मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम यानी MISC कहा जाता है। इसके आम लक्षणों में बुखार, गर्दन में दर्द, रैशेज होना, उल्टी या दस्त, आंखें लाल होना, थकान महसूस होना, होंठ फटना, हाथ पैरों में सूजन, गले में सूजन और पेट में दर्द। क्या होता है मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम? बच्चों में मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर के विभिन्न हिस्सों में सूजन हो सकती है, जिसमें हृदय, फेफड़े, गुर्दे, मस्तिष्क, त्वचा, आंखें या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल शामिल है। अभी तक इस बात का पता नहीं चल पाया है कि MISC का सही कारण क्या है। ऐसे में इसके परिणाम गंभीर और घातक भी हो सकते हैं। ज्यादातर बच्चों में कोविड-19 की वजह से ही MISC के लक्षण पाए जा रहे हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार सही समय पर इलाज मिल जाए तो बच्चे इस सिंड्रोम से ठीक होकर बाहर भी आ सकते हैं। हालांकि इस बार स्थिति साफ है कि कोरोना बच्चों के लिए काफी घातक साबित हो सकता है। ऐसे में कोविड-19 से बचने के लिए बच्चों में साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। उनमें नियमित रूप से हाथ को साबुन और पानी से अच्छे से धोने की आदत डालें। बच्चों को बाहर कम निकलने दें और संक्रमित व्यक्ति के करीब बिल्कुल न जाने दें। शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सही खान पान का ध्यान रखें। अगर बच्चा वैक्सीनेशन के योग्य है तो जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं। वीडियो डेस्क, AmarUjala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।